हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल बीच में आपका फिर से स्वागत है। आज यहाँ अपने बात करेंगे, आज जो अल्टरनेटर है उसके बारे में अपने बात करेंगे। अल्टरनेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है या जो भी अपने क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि सेलियंट पोल समुन्न ध्रुव रचना में, सेलियंट पोल रोटर की अगर आप रचना को देखोगे तो उसमें क्या होता है कि उसकी व्यास जो होता है वो अधिक होता है और उसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। फिर है 8 पोल और 250 आरपीएम जनित्र में ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी। इसका आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एफ बराबर जो होता है पी एन बटा 120। एफ बराबर क्या होता है, पी एन बटा 120। फिर है अल्टरनेटर में शक्ति गुणक पर एक पक्षगामी शक्ति गुणक पर उत्पन्न ईएमएफ इकाई शक्ति गुणक पर वोल्टेज की तुलना में। तो इकाई शक्ति गुणक होगा उस समय आर्मेचर में धारा बहुत कम होती है, इसका मतलब आर्मेचर में जो वोल्टता ड्रॉप होगा वो कम होगा और लैगिंग पर क्या होगा, अधिक होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप आपको कम होगा तो इसका मतलब इकाई शक्ति गुणक पर आपको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, और पश्चगामी पर क्या मिलेगा, कम। तो यहाँ पश्चगामी शक्ति गुणक पर उत्पन्न ईएमएफ बल इकाई शक्ति मतलब पक्षगामी के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको कम मिलेगा या ज़्यादा, तो क्या मिलेगा, इकाई शक्ति गुणक की तुलना में क्या मिलेगा, कम। तो यहाँ इसका आंसर कौन सा होगा, ए। फिर अल्टरनेटर में जो उत्तेजक प्रयुक्त होता है, तो यहाँ सबसे पहले आपको दिमाग लगाने वाली बात है कि एक्साइटर के रूप में आप काम क्या करते हो, फील्ड कुंडली को जो सप्लाई देते हो वो देते हो डीसी, तो इसका मतलब मोटर हो नहीं सकती। तो पहला ए और जो अपना क्या सी आंसर है वो कैंसिल है यहाँ से। फिर देखो अपने को काम क्या करना, अपने को पता है एक शंट जनित्र होता है और दूसरा कौन सा होता है, कंपाउंड। शंट जनित्र आपको यहाँ दिया नहीं, दिया कौन सा है, श्रेणी शंट, यानी कि वो कंपाउंड जनित्र के बारे में बात करें। तो यहाँ से आंसर कौन सा होगा, डी। अल्टरनेटर में इकाई शक्ति गुणक पर, इकाई शक्ति गुणक जो होता है उस समय ध्यान रखना कि जो आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो जो फील्ड का फ्लक्स होता है उसको क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ से आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी। दो अल्टरनेटर अगर समांतर क्रम में चला रहे हैं तो उसमें देखो प्राइम मूवर जो होता है वो भी अपनी आवश्यकता बताए आवश्यकता होती है, और दूसरी बात एक्साइटेशन जो होता है वो भी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी मीटर भी अपने को आवश्यकता होती है। यहाँ वितरित ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ से आंसर कौन सा आएगा, 36 नंबर, 36 में कौन सा आएगा, डी। फिर अगला देखते हैं कि दो प्रत्यावर्तक ए और बी प्रेणिक लोड पर समान रूप से बांट रहे हैं और ए के उत्तेजन को बढ़ा दिया जाए। ए को उत्तेजन को बढ़ा देंगे तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी, और जैसे अगर आप देखोगे तो दो बैटरियाँ अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ दें, जो बड़ी बैटरी होगी वो छोटी वाली को भी सप्लाई देगी और बड़ी जो लाइन जो होगी उसको भी क्या करती है, सप्लाई देती है। तो इसका मतलब एक्साइटेशन आपने किसका बढ़ाया, ए का, तो ए जो द्वारा दी जाने वाली करंट है वो बढ़ जाएगी और बी की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला, एक सिंक्रोनस जनित्र में यदि यांत्रिक इनपुट में वृद्धि की जाए, तो यांत्रिक इनपुट में अगर आप वृद्धि करोगे मतलब आप उसकी गति को बढ़ा रहे हो और उत्तेजना के साथ, तो लोड कोण क्या हो जाएगा, लोड कोण में क्या आएगी, कमी। मतलब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है और दूसरा होता है रोटर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं लोड कोण, वो क्या होगा, कम होगा। जब उत्तेजना बढ़ाई जाती है सिंक्रोनस जनित्र, तो एक्साइटेशन अगर अपने बढ़ाते हैं तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो अति उत्तेजन पर काम करती है। यहाँ से आंसर कौन सा आएगा, पश्चगामी शक्ति गुणक पर काम करेगा। फिर है कि व्यवहारिक रूप से अल्टरनेटर में किस प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है, क्षेत्र गुणन प्रकार को, क्योंकि फील्ड जो होती है वो आर्मेचर से क्या होती है, हल्की होती है। फिर है चाल पोल 50 हर्ट्ज की जनित्र की गति के, यहाँ अपने फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एफ बराबर पी एन बटा 120। एन को आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, एफ इंटू 120 बटा में पी, तो आंसर आएगा इसका 1500। जल विद्युत शक्ति केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर में ताप विद्युत शक्ति केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर से अधिक दूरी रखे क्यों जाते हैं। हमने को पता है फ्रिक्वेंसी जो बराबर क्या होती है, एफ बराबर पी एन बटा 120 होता है। अगर आप उसकी गति को करोगे कम तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अपने को इतनी चाहिए 50। तो यहाँ पोल अधिक इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो जल विद्युत केंद्र जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो स्पीड जो होती है उनकी क्या होती है, कम। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जल विद्युत में प्रयुक्त अल्टरनेटर की घूर्णन गति क्या है, कम। यहाँ से आंसर कौन सा होगा, सी। 43 नंबर जो होगा इसमें वापस वही क्वेश्चन आया, तो इसमें कौन सा होगा, बी होगा। एक प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणक, अल्टरनेटर जो होता है उसका शक्ति गुणक जो होता है, एक अपने पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर, उन दोनों का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लोड पर डिपेंड करता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका पावर फैक्टर जो होता है एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक धनात्मक वोल्टता नियमन किस भार पर प्राप्त होता है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, नो लोड माइनस लोड बटा में लोड पर वोल्टेज का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो अपने को जो
इंडक्टिव लोड होता है, एक रेजिस्टिव लोड होता है, उसी पर क्या होती है कि अपने को भार नो लोड की तुलना में लोड पर वोल्टेज क्या मिलती है, कम। तो अपना जो पावर फैक्टर होगा या जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, इन्हीं दो कंडीशन में क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ए और इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो इसी बेस पर है। तो आपको दिया गया है कि शून्य भार पर वोल्टेज कितनी है 200 और भार पर कितनी है 220। तो भार वाली ज़्यादा होगा तो मतलब आपका आंसर आएगा माइनस में। तो बच के दो आंसर, यानी दो कैंसिल होंगे, ए और सी तो नहीं हो सकते, बचेगा कौन से, दो माइनस 10 और माइनस 0.09। इसको जब आप हल करोगे तो आएगा माइनस 9.09। एक बेलनाकार रोटर में सामान्यतः कितने ध्रुवों की संख्या होती है, तो सामान्यतः कितने, 6 ध्रुव होते हैं। एक 6 पोल अल्टरनेटर में एक परिभ्रमी भ्रमण द्वारा पूरे किए गए विद्युत अंश क्या होंगे। अगर आपने वेव फॉर्म बनाते हो तो अपने को पता है दो पोल जब अपने पास होते हैं तो अपने को पूरा जो चक्कर मिल साइकिल मिलता है 360 डिग्री का मिलता है। तो मतलब 360 और 6 पोल है तो इसका मतलब कितने जोड़े हैं अपने पास, तीन जोड़े हैं। तो 360 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है जो आपको ऑप्शन दिए गए सभी के कारण होता है, तो यहाँ से इसका आंसर आएगा अप्रोक्स। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रत्यावर्तक की टर्मिनल वोल्टता में वृद्धि होगी यदि। देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि किस भार पर टर्मिनल वोल्टेज अपने को पॉजिटिव मिलता है या कौन सा नेगेटिव मिलता है। अगर आप काम क्या करते हो, अग्रगामी पावर फैक्टर जो होता है, तो अपने को नो लोड पर वोल्टेज क्या मिलती है, सप्लाई वोल्टेज की तुलना में क्या मिलती है, ज़्यादा। जबकि पश्चगामी या इकाई शक्ति गुणक पर क्या होता है, उल्टा होता है। तो पश्चगामी शक्ति गुणक जो होगा उसमें क्या होगा, अगर आप भार को हटाओगे ना तो उस समय आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, यानी कि एक प्रत्यावर्तक की टर्मिनल वोल्टता में वृद्धि होगी। क्योंकि जैसे ही आप लोड हटाओगे तो उस समय आपकी जो वोल्टेज में वृद्धि होगी। तो यहाँ से आंसर कौन सा होगा, ए और बी। एक सिंक्रोनस मोटर के क्षेत्र में कौन सी सप्लाई दी जाती है हमेशा, डीसी। तो डीसी दोगे तो वहाँ कौन सी हानियाँ क्या होगी, तांबर हानियाँ जो होगी वो क्या होगी, स्थिर होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्तक में क्षेत्र उत्तेजन की सामान्यता वोल्टता क्या होती है। यहाँ जो वोल्टता रखी जाती है वो 200 से क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। फिर समांतर में प्रचालित दो प्रत्यावर्तक में से किसी एक पर की फ्यूल सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा। अगर आप फ्यूल सप्लाई को चेंज करोगे तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा कि आप टरबाइन में जो इनपुट दे रहे हो उसके मान चेंज करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गति चेंज होगी, और गति चेंज होगी तो उसका मतलब ये फ्रिक्वेंसी उसको क्या होगा, चेंज होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह अगर शक्ति कारक पर प्रत्यावर्तक में आर्मेचर फ्लक्स, अग्रगामी पावर फैक्टर जो होता है, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो रोटर फ्लक्स का क्या करता है, सहयोग करता है, तभी अपने को जनरेटर क्या आता है, अधिक वोल्टेज देता है। अगला स्टार सीओजी क्षेत्र गुणन, देखो फील्ड घूम रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब फील्ड को सप्लाई कौन सी देते हो, डीसी। तो यहाँ सर पे वैल्यू सिंह क्या होगी, दो। एक क्षेत्र गुणन प्रकार में प्रत्यावर्तक में डैम्पर कुंडलन को किस तारा को वहन करती है। डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो पोल फेस पर की जाती है, रोटर पर की जाती है, तो वो किसी भी प्रकार की सप्लाई वहन नहीं करती। फिर अगला, एक क्षेत्र प्रत्यावर्तक में क्षेत्र धारा परिवर्तन से परिवर्तित होता है। अगर आप फील्ड का एक्साइटेशन चेंज करोगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि फील्ड का एक्साइटेशन जैसे ही चेंज करोगे तो उसमें क्या होगी, प्रतिघाती शक्ति होती है VI साइन फाई, वो चेंज होगी। और पावर वेक्टर अगर आपको पता होगा तो प्रतिघाती शक्ति चेंज होगी तो आभासी शक्ति भी चेंज होगी। तो यहाँ से आंसर कौन सा होगा, सी। समांतर क्रम में दो अल्टरनेटर को प्रचालित करना है तो आपको आवश्यक शर्त नहीं है ये बताना है। तो फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज सेम होनी चाहिए, और फेज क्रम भी क्या होना चाहिए, सेम। जबकि केवी रेटिंग समान है तो भी काम है चल सकता है। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा, डी। एक प्रत्यावर्तक का फेज क्रम है वामावर दिशा में RYB है, तो दक्षिणावर दिशा में, तो जैसे ही आप उसको उल्टा घुमाओगे तो उसका फेज क्रम चेंज होगा। तो यहाँ आंसर होगा आपका, होगा आंसर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, दस पोल 1200 RPM प्रत्यावर्तक द्वारा EMF के प्रति चक्कर क्या होंगे। इसको अगर आप हल करोगे तो शायद आपका आंसर यहाँ से आएगा, F = PN/120 निकालना है, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा आपसे यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक में जो EMF का फेज क्रम RYB है, अगर क्षेत्र धारा, अगर आप क्षेत्र धारा को चेंज करोगे तो उसका फेज क्रम चेंज नहीं होगा, फेज क्रम कौन सा आएगा, RYB ही होगा। एक 50 से 60 Hz के प्रत्यावर्तक की मध्य गति, इसको आप हल करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 600 RPM। फिर है सिंक्रोनोस्कोप, ये अल्टरनेटर को समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ दो फेज होती है, दो फेजों वाली मशीन होती है, इसमें आप एक इनकमिंग अल्टरनेटर को जोड़ा जाता है, दूसरा
आउटगोइंग जो अपने को रनिंग से पहले काम कर रहे हैं। फिर है ट्रबो प्रत्यावर्तक में, ट्रबो जो होती है उनकी अक्षीय लंबाई अधिक होती है, व्यास क्या होता है कम होता है। फिर है अल्टरनेटर में प्राय, अल्टरनेटर में ध्यान रखना कि सामान्यतः क्या होता है, क्षेत्र घूर्णी होता है, आर्मेचर क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। जो अपना पहला या दूसरा क्वेश्चन था वो सेम है, तो यहाँ सी आंसर होगा। वोल्टेज ड्रॉप का कारण जो होता है वो भार धारा होती है। शून्य भार पर अल्टरनेटर में, शून्य भार पर जो अल्टरनेटर होता है वो लो आनिया को वहन करता है, यानी कि शून्य भार पर समस्त आनिया यानी कि जो भी आनिया होगी उसमें घर्षण हानि भी क्या होगी शामिल होगी। तो यह आंसर कौन सा होगा, सी। दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चला रही है, अगर ये किसी का प्राइमर हटा ले तो क्या होगा, अगर एक का प्राइमर हटा लोगे तो वो मेन सप्लाई से लाइन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब किसके तरह काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर। क्यों, क्योंकि वो किसके समान है, उसकी संरचना सिंक्रोनस मोटर के समान है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्तक में शीतलन है, तो ये हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें। फिर समांतर क्रम में प्रचालित एक प्रत्यावर्तक का क्षेत्र परिवर्तित करने पर क्या होगा, अगर आप फील्ड की डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या होगा उसके अंदर, तो उस समय देखो क्या होगा, क्षेत्र परिवर्तित करने पर अगर आप उसका फील्ड चेंज करोगे यानी कि क्षेत्र धारा का मान कम ज़्यादा करते हो तो उसका शक्ति गुणक जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्षेत्र का। यहाँ देखो क्षेत्र धारा पर, क्षेत्र अगर चेंज करेंगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्षेत्र अगर आप चेंज करते हो तो गति कम हो जाएगी, गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अल्टरनेटर चल जाएगा, अल्टरनेटर भी नहीं चलेगा, शक्ति कारक बदल जाएगा, ये भी नहीं होगा, उसकी वोल्टेज होगी वो चेंज हो जाती है। फिर सिंक्रोनस रनिंग और इनकमिंग अल्टरनेटर की शर्त का पालन होना आवश्यक है, तो आपको निम्न में से एक शर्त जो होगी वो हमेशा पालन करना आवश्यक होगा, निम्न में से किस शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं है, तो मतलब वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फेज क्रम सेम होना चाहिए, आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, लेकिन प्राइम ओवर की गति वो समान हो ये जरूरी नहीं है। सिंक्रोनाइजिंग हेतु की शर्त का पालन करना आवश्यक होता है, तो देखो वोल्टेज सेम होनी चाहिए, आवृत्ति भी सेम और फेज क्रम भी समान, रेटिंग उनकी सेम नहीं है तो भी काम चल सकता है, पीछे क्वेश्चन में भी उन्होंने देखा था। यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4। आगे जो रेजिस्टेंस के संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ अपना जो अल्टरनेटर जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं, तो अगली वीडियो में अपने बात करेंगे सेल और बैटरी के बारे में। धन्यवाद।